हेलो फ्रेंड्स, प्रॉपर्टी लेनदेन डॉट कॉम चैनल पे मैं भूपेंद्र सिवाग आपका वेलकम करता हूँ। आपकी डिमांड पे एक बार फिर हम सोनीपत पहुँच चुके हैं। आज मैं खड़ा हूँ सोनीपत के सेक्टर 83 में। आप भी बोर हो गए थे, मैं भी बोर हो गया था गुड़गांव की प्रॉपर्टी दिखाते दिखाते, तो मुझे लगा गुड़गांव से बाहर चला जाए और कुछ नया और कुछ फ्रेश दिखाया जाए। तो मैं सेक्टर 83 में जिस प्रोजेक्ट के अंदर खड़ा हूँ उसका नाम है पीपी ग्रीन सिटी। आप मेरे पीछे नाम भी पढ़ रहे होंगे। मैं इस प्रोजेक्ट को कवर करने क्यों आया हूँ, सबसे पहले उसकी वजह बता देता हूँ। आपको पता है आजकल गुड़गांव से बाहर, दिल्ली से बाहर जो प्लॉटिंग के प्रोजेक्ट्स हैं वो सोनीपत, पानीपत, आपके जीटी रोड बेल्ट पे आ रहे हैं। तो ये जो प्रोजेक्ट है पीपी ग्रीन सिटी जिसके अंदर मैं खड़ा हूँ, ये बिल्कुल ऑन जीटी रोड है, बिल्कुल जीटी रोड पे है। इसका मैं आपको एग्जांपल लाइव दूंगा कि मैं कैसे कह रहा हूँ कि ये जीटी रोड पे है। आप मेरे पीछे देख रहे होंगे एक जो सड़क जा रही है और उसके ऊपर से जो ट्रैफिक जा रहा है, यही जीटी रोड है। जीटी रोड मीन्स NH44, जिसे हम पहले NH1 कहा करते थे। और ये वही रोड है जो दिल्ली से लेके जम्मू कश्मीर तक जाता है, जिसको ग्रैंड ट्रंक रोड भी कहा जाता है और शेरशाह सूरी मार्ग भी इसको कहा जाता है। बहुत ज़्यादा रोड की बात नहीं करेंगे, प्रोजेक्ट पे आ जाते हैं। जिसमें प्रोजेक्ट को आज कवर करने आया हूँ, ये दीनदयाल जनआवास योजना के तहत ये प्रोजेक्ट है। आपको भी पता होगा, बहुत सारे जो हमारे पुराने सब्सक्राइबर हैं, गुड़गांव और फरीदाबाद में दीनदयाल जनआवास योजना सस्पेंड हो चुकी है, वहाँ नए प्लॉट्स नहीं आएंगे। पुराने जो लाइसेंस लगे हुए हैं उनके वहाँ प्लॉट्स आ रहे हैं, लेकिन गुड़गांव और फरीदाबाद से बाहर हरियाणा के जो दूसरे ज़िले हैं वहाँ लगातार ये प्रोजेक्ट आते रहेंगे। तो उसी पॉलिसी का ये हिस्सा है DDJ का, जहाँ ये प्रोजेक्ट लेकर आए हैं पीपी डेवलपर्स। ये पीपी डेवलपर्स कौन है, इनके बारे में थोड़ा सा बता देते हैं। मेरे लिए भी नया नाम था जब तक मैं इनके बारे में नहीं जानता था, और आपके लिए भी नया नाम होगा। ये दिल्ली में काफ़ी समय से काम कर रहे हैं। आपने सुना होगा एक मॉल है विकास मॉल द्वारका में, वो इन्होंने ही बनाया है। इसके अलावा पीपी सेंटर है NSP में, वो भी ऐसा इनका कहना है कि इन्होंने बनाया है। इसके अलावा एक दो मॉल्स और हैं, एक रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स है रोहिणी में, वो भी इनके द्वारा बनाया गया है। दिल्ली में काम करने के बाद ये सेकंड प्रोजेक्ट जो है इनका सोनीपत में आया। सोनीपत में सेक्टर 27 में भी एक पीपी ग्रीन सिटी है, वो भी इनकी है, वो इन्होंने काफ़ी पहले लॉन्च की थी। अब ये इन्होंने नया प्रोजेक्ट लॉन्च किया है। इसके बाद इनका जो प्रोजेक्ट है वो मोहाली में आ रहा है, मोहाली वॉक के नाम से, वो कमर्शियल प्रोजेक्ट है। तो बिल्डर के बारे में जानकारी होगी, लोकेशन के बारे में जानकारी होगी। अब बात कर लेते हैं कि इस प्रोजेक्ट में आपको क्या मिलेगा। करीब 40 एकड़ इनके पास यहाँ लैंड बैंक है, बिल्कुल जीटी रोड से लगता हुआ है, जैसा मैं दिखा चुका हूँ कि जीटी रोड पीछे है। 30 एकड़ में अब तक ये प्लॉटिंग का प्रोजेक्ट लेके आ चुके हैं, जिसमें से इनका काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिला है। फ्यूचर में 10 एकड़ का इनका और आएगा प्रोजेक्ट। प्लॉट के अगर साइज़ की बात करें तो 120 गज से लेके 180 गज तक के प्लॉट आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। दीनदयाल के जैसा कि मैंने बताया, एक आपको और भी पता होगा जो हमारे पुराने सब्सक्राइबर हैं, कि हरियाणा गवर्नमेंट की जो पॉलिसी थी कि स्टिल्ट प्लस 4 आप बना सकते हैं 180 गज से छोटे प्लॉट पे दीनदयाल के पे, उस पर बैन लग चुका है। लेकिन अभी भी आप स्टिल्ट प्लस 3 बना सकते हैं, यानी स्टिल्ट पे पार्किंग, ऊपर 3 फ्लोर बना सकते हैं। फ्यूचर में हो सकता है कि दोबारा से स्टिल्ट प्लस 4 आ जाए तो आप भी उस पॉलिसी का फ़ायदा उठा सकेंगे और स्टिल्ट प्लस 4 बना सकेंगे। अब इस प्रोजेक्ट की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो ये जो प्रोजेक्ट है इसमें आपको 3 से 4 एकड़ ग्रीन एरिया मिलेगा और 40,000 स्क्वायर फीट में ये क्लब हाउस लेकर आ रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, शुरुआत सोनीपत में क्लब हाउस लाने की थी गोदरेज ने प्लॉटिंग के प्रोजेक्ट में, तो उसी चीज़ को आगे बढ़ाते हुए उससे ही शायद ही इंस्पायर होकर ये भी एक 40,000 स्क्वायर फीट में अपना क्लब हाउस लेकर आ रहे हैं अपने प्लॉटिंग के प्रोजेक्ट में। अब बात कर लेते हैं कि अगर आपको यहाँ पे प्लॉट चाहिए तो आपको किस साइज़ के रोड पे यहाँ पे प्लॉट चाहिए, क्योंकि यहाँ पर 9 मीटर से लेके 24 मीटर 45 मीटर, जी हाँ दोस्तों, यहाँ 3 ऑप्शन है। 9 मीटर का रोड भी है, 24 मीटर का रोड भी है, और एक 45 मीटर का सेक्टर रोड है जो इस प्रोजेक्ट के बीचों बीच से जाएगा। तो आपको तीनों रोड पर आपकी पसंद का प्लॉट मिल सकता है। यहाँ जो प्रॉपर्टी खरीदने वाले हैं वो कौन लोग हैं वो मैं बता देता हूँ। ज़्यादातर लोग दिल्ली से हैं, वेस्ट दिल्ली से हैं, उसके बाद लोकल सोनीपत के भी हैं। तो ये यहाँ की जो जेंट्री है वो कुछ इस तरह की है जो यहाँ पर प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर रही है। अब हम बात कर लेते हैं कि यहाँ पर सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पे क्या है। तो यहाँ पर GD गोयनका स्कूल, यहाँ पर आपको DPS स्कूल,
यहाँ पर रुक्मणी देवी स्कूल, इस तरह के जो अच्छे स्कूल है, इस जो प्रोजेक्ट है आसपास आपको देखने को मिल जाएंगे। अब हॉस्पिटल की बात करें तो FIMS करके काफ़ी प्रसिद्ध हॉस्पिटल है सोनीपत का, वो भी यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है। उसके बाद ट्यूलिप हॉस्पिटल है, उसके बाद राई हॉस्पिटल है, इसके अलावा और भी कई हॉस्पिटल है अगर हम हेल्थ की बात करें। अगर हम हेल्थ से आगे बढ़ के हायर एजुकेशन की बात करें तो SRM यूनिवर्सिटी, अशोका यूनिवर्सिटी और सबसे बड़ी जिंदल यूनिवर्सिटी और राजीव गांधी एजुकेशन सिटी है, जो यहाँ से बहुत ज़्यादा दूरी पर नहीं है। तो स्कूल की एजुकेशन, हायर एजुकेशन, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिलेगी। अब बात कर लेते हैं कि अगर आपको अपनी डेली नीड पूरी करनी हो तो वो सामान आपको कहाँ से मिलेगा। तो इस प्रोजेक्ट में आपको करीब आधे एकड़ में इनका कमर्शियल आएगा, वहाँ से आपकी जो डेली नीड्स है वो पूरी हो सकती हैं। और आसपास यहाँ पर वोमेक्स है, कमर्शियल और भी कई मॉल्स हैं, तो वहाँ आपकी जो नीड्स है डेली उन कमर्शियल्स में पूरी हो सकती हैं। अगर हम आसपास की वेसिनिटी की बात करें इस प्रोजेक्ट के, तो इसके पीछे एक विलेज है, मैं डिनाई नहीं करूँगा, जो रियलिटी है वो आपको बताऊँगा, लेकिन जो और प्रोजेक्ट्स हैं उनके बारे में भी मैं आपको जानकारी दूंगा। जिस तरफ हम खड़े हैं इसके बिल्कुल साथ में एक अम्यूजमेंट पार्क भी है थोड़ी सी दूरी पे, जिसका नाम जुरासिक पार्क है। और अगर हम जिस तरफ हम हैं उससे दूसरी तरफ जाएं GT रोड पे, तो वहाँ आपको एल्डेको का प्रोजेक्ट देखने को मिलेगा, एपेक्स ग्रीन नाम का एक प्रोजेक्ट देखने को मिलेगा, पार्कर आपको एक प्रोजेक्ट देखने को मिलेगा। तो आसपास यहाँ पर हाई राइज भी देखने को मिलेंगे आपको प्रोजेक्ट्स, और लो राइज भी प्रोजेक्ट आपको देखने को मिलेंगे। तो आसपास की जो सोसाइटीज़ हैं वो भी यहाँ पर काफ़ी अच्छी हैं। अब बात कर लेते हैं इनका पेमेंट प्लान क्या है। पेमेंट प्लान इनका बहुत शानदार है, आपको 1.5 साल में पेमेंट करनी है। आपको 10% स्टार्टिंग में देना है, फिर आपको 5% देना है, फिर आपको 5% देना है, फिर आपको हर मंथ 5% करके आपको पेमेंट करनी है। 1.5 साल में ही आपको इसका पोजेशन मिलेगा। चलते हुए बात कर लेते हैं और थोड़ा सा, अगर हम प्लॉट साइज़ की बात करें तो यहाँ पर प्लॉट साइज़ 120 गज़, 130 गज़, 140 गज़, 150 गज़ और 170 गज़, और क्योंकि लिमिट है दीनदयाल जो पॉलिसी है उस, तो 180 गज़ का मैक्सिमम आपको यहाँ पे प्लॉट देखने को मिलेगा। साथ में जैसा कि मैंने आपको बताया था, ग्रीन एरिया भी यहाँ पर काफ़ी आपको अच्छा देखने को मिलेगा। तो एक पार्क डेवलप किया जा रहा है, आप देख सकते हैं मेरे लेफ्ट साइड में, ये आने वाले दिनों में यहाँ आपको पार्क देखने को मिलेगा। अब हम कनेक्टिविटी की बात कर लेते हैं। NH1 आपको दिखाई चुका हूँ, GT रोड, इससे थोड़ा आगे चलेंगे 334 बी हाईवे है, जो मेरठ से हरियाणा को जोड़ता है, आगे राजस्थान को जोड़ता है, दिल्ली में गलत बोल गया था, उसके आगे आप चलेंगे KMP कुंडरी पलवल मानेसर मिलेगा, उसके आगे आप चलेंगे EMP मिलेगा, उसके आगे आप चलेंगे ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे आपको मिलेगा, और थोड़ा आगे आप चलेंगे तो आप दिल्ली पहुँच जाएंगे। अब हम बात कर लेते हैं कि आप दिल्ली कितनी देर में यहाँ से पहुँच पाएंगे। तो आपको मात्र 30 मिनट लगेंगे यहाँ से दिल्ली पहुँचने में। जो GT रोड है उसके जो एक्सपेंशन का जो प्लान था, जो एक्सपेंशन का जो काम चल रहा था, वो काफ़ी हद तक यहाँ से अगर दिल्ली की तरफ हम बात करें काम पूरा हो चुका है। जो फ्लाईओवर्स बनने थे वो बन चुके हैं, आपको बीच में कहीं नहीं रुकना, आप सीधा बिना किसी रुकावट के यहाँ से दिल्ली पहुँच सकते हैं। मुकरबा चौक है जो दिल्ली का, जिसे हम करनाल बाईपास भी बोल देते हैं, आप यहाँ से मात्र 30 मिनट में आराम से पहुँच सकते हैं। सोनीपत के बारे में जिन लोगों को नहीं पता उनको थोड़ी सी मैं जानकारी दे दूं। दिल्ली से जब आप निकलते हैं तो हरियाणा का जो सबसे पहला ज़िला पड़ता है वो सोनीपत पड़ता है। सोनीपत से आगे आप जाएंगे तो पानीपत आएगा, फिर उसके बाद आपका करनाल आएगा, कुरुक्षेत्र, अम्बाला, और फिर आगे पंजाब शुरू हो जाता है। जब हम GT रोड की बात कर रहे हैं तो आपको पता होगा पिछले दिनों यहाँ पर एक और काफ़ी बड़ा डेवलपर आया था, मैं बात कर रहा हूँ गोदरेज की, और उसके क्या प्राइस थे आप में से बहुत सारे लोगों को पता होगा उस प्राइस का। उसके मैंने बहुत सारे वीडियो बनाए हैं, और अगर आप उसको देखना चाहते हैं कहाँ पर वो प्रोजेक्ट आया था सोनीपत में, क्या उसके साइजेस थे, किस तरह की अमेनिटीज़ लेके आए थे, तो इस चैनल पर वो वीडियो पड़े हैं, आप देख सकते हैं। उसकी और इसकी लोकेशन में काफ़ी अंतर है, क्या अंतर है वो आप अगर जानना चाहेंगे मेरे से तो पर्सनली मेरे को आप कॉल कर लीजिएगा, मैं आपको बता दूंगा, स्क्रीन पर आपको नंबर दिख रहा होगा। अब बात कर लेते हैं कि और भी फ्यूचर में यहाँ कौन कौन से प्रोजेक्ट्स आने वाले हैं। तो फ्यूचर में यहाँ जो और प्रोजेक्ट्स आने वाले हैं उसमें सुपरमैक्स है, उसमें एल्डेको है, उसके वीडियो भी आपको हमारे चैनल पे देखने को मिलेंगे। हो सकता है कि इस वीडियो के बाद आपको जो दूसरा वीडियो देखने को मिले वो आपको शायद एल्डेको का देखने को मिले, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इस पे और भी प्रोजेक्ट आपको देखने को मिलेंगे। पानीपत हम कवर कर चुके हैं, पानीपत में आपको पता ही है M3M 350 एकड़ का एक टाउनशिप लेके आ रहा है, और उसका प्राइस आपको पता ही होगा, अगर नहीं पता तो मैं बता देता हूँ, 87,000 पर स्क्वायर यार्ड उसका प्राइस है। अब बात कर लेते हैं तो इसका प्राइस कितना है।
वो यहाँ से 50 किलोमीटर की दूरी पर है एम्जेरियम। ये दिल्ली से, अगर हम पानीपत से दिल्ली की तरफ जाएंगे तो ये 50 किलोमीटर पहले पड़ता है ये एरिया। तो यहाँ पे प्राइस कितना होना चाहिए आपके हिसाब से? प्राइस वहाँ से ज़्यादा होना चाहिए, जब यहाँ से 50 किलोमीटर आगे 87,000 रुपीज़ प्राइस है, तो यहाँ तो 1 लाख होना चाहिए। या फिर जो एक प्रोजेक्ट पहले आया था उसका क्या प्राइस था वो आपको पता ही होगा, नहीं पता तो मैं जैसे कि बता चुका हूँ, वीडियो देख लो आपको पता लग जाएगा। तो बिना किसी देरी के अब इसके प्राइस का खुलासा कर देते हैं। इसका जो प्राइस है वो मात्र 58,000 रुपये पर स्क्वायर यार्ड है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर इसलिए इस प्रोजेक्ट में बहुत सारा माल बिक चुका है क्योंकि इसका प्राइस बहुत ल्यूक्रेटिव है, प्राइस इन्होंने बहुत शानदार रखा है, जिस वजह से लोगों ने इसको पसंद किया है और लोग इसको काफ़ी पसंद कर रहे हैं और लोगों ने इसमें यहाँ पर अपनी प्रॉपर्टी बाय कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। इन्वेस्टमेंट करने के साथ साथ एंड यूज़र भी काफ़ी हैं यहाँ पर। जैसा कि मैंने बताया, पेमेंट प्लान इसका 1.5 साल का है, तो 1.5 साल में आपको इसका पोजीशन मिलेगा और प्राइस मैंने आपको बता दिया है। इसके बाद भी एक चीज़ और मैं आपको बता दूँ, ये प्राइस बिल्डर का है, हमारा जो प्राइस है आपको इससे बेटर प्राइस मिल जाएगा। वो प्राइस क्या होगा उसका मैं डिस्क्लोज नहीं करूँगा, उसके लिए आपको मुझे कॉल करना होगा। कॉल करके जो बाकी डिटेल है वो मैं आपके साथ शेयर कर लूँगा, जो बेस्ट प्राइस है वो भी आपको बता दूँगा। तो मैं इस वीडियो को भी यहाँ ख़त्म करूँगा। वीडियो ख़त्म करने से पहले सिर्फ एक चीज़ मैं आपसे कहना चाहूँगा, जो प्राइस मैंने आपको बताया है, अगर इस प्राइस में दिल्ली NCR के आसपास कहीं भी आपको कोई प्रॉपर्टी मिल रही हो मुझे फ़ोन करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको ये प्राइस ठीक लगता है और आप इसमें इंटरेस्ट रखते हैं तो स्क्रीन पे आपको नंबर दिख रहा है, बिना किसी देरी के आप स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। जो बेस्ट इन्वेंट्री होगी, जो बेस्ट प्लॉट होगा, बेस्ट लोकेशन होगा, हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें बिना बिल्कुल ना जाइए, क्योंकि इस तरह के वीडियो लगातार इस चैनल पर आते रहते हैं। हम फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए दोस्तों गुड बाय।